दोस्तों देखिए, आपने ये फीचर देखा होगा, ज़्यादातर तो ये आईफोन में ही आया है, दिखता था ये फीचर पहले आईफोन में ही था, उसके बाद वीवो ओप्पो ने और बहुत से फ़ोन में इस फीचर को इजी मोड बोलते हैं, हम इसे टच बोलते हैं किसी में, तो ये ऑप्शन आ गया। तो सैमसंग में ये अगर आपको इनेबल करना है तो आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, आपको सिंपल फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंटरैक्शन एंड डेक्सटेरिटी, ठीक है, इसे आपको ओपन कर लेना है, या आप डायरेक्ट टच कर सकते सर्च कर सकते हैं असिस्टेंट मेन्यू, तो हमें यहाँ पर दिख जाता है असिस्टेंट मेन्यू, इस पर क्लिक करके आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सी सेटिंग्स कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनेबल हो जाता है, और अगर आपको इसे हटाना है तो कहीं भी टच कीजिए, ये मिनिमाइज़ हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये खुद से डल हो जाता है, ठीक है, आपके पीछे कहीं छुप जाता है। देन यहाँ पर आप असिस्टेंट मेन्यू ऑप्शन देख सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं ब्राइटनेस का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, बिग्सबी मैग्नीफाइंग विंडो, और हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप कितनी रखना चाहें, आप पूरा डार्क रखना चाहें तो डार्क रख सकते हैं, हटा सकते हैं, कम करना कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू आपके ऊपर है। और शो एज अ एज आइकन, आप एज आइकन देखिए, यहाँ पर एज आइकन कर दिया, तो इस पर क्लिक मैंने लाया तो ही आया, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो देखते टाइम, सिर्फ इस पर लाएंगे तो ही ऐसा आएगा, कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। फिर असिस्टेंट मेन्यू साइज़ कितनी होने चाहिए, आप यहाँ पे स्मॉल लार्ज मीडियम रख सकते हैं, और आपको मोर सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाती है, कितना जूम करना है, कर्सर साइज़, टचपैड साइज़, आप जो भी यहाँ पर रखना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।